सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जिप कैसे लगाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये मैंने जिप ली हुई है और ये कंसील्ड जिप है। इसको किस तरीके से हम यहाँ पे बैक साइड में लगाते हैं और कितने इंच तक हमें लगानी होती है ये भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको हर आने वाली की वीडियो की अपडेट में मिलती रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होता है कि गला हमें जितना भी रखना है सबसे पहले गले की कटिंग कर लेते हैं और जो ब्रॉड लेंथ जितनी भी रखते हैं उससे हम क्वार्टर इंच कम ब्रॉड में यहाँ पे कटिंग करेंगे। जैसे हमने 6 इंच रखना है तो हम यहाँ पे 3.25 इंच कटिंग करेंगे। 3.25 पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है और जितना डीप रखना होता है यहाँ पे उतना ही निशान लगाएंगे। जैसे हमें 6 इंच रखना है तो 6 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग की हुई है। अब हमें इसी निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है, ये गोल गला हमारा कट चुका है। अब हमें जिप देखनी है, जिप ऊपर से कितने इंच पे लगाते हैं। जिप हमेशा नापते हैं ऊपर से। यहाँ पे दोस्तों जो है जिनकी हाइट ज्यादा होती है वो तकरीबन 19 इंच तक यहाँ पे जिप लगवा लेते हैं, लेकिन नॉर्मल जो जिप लगाई जाती है 17 इंच तक लगाई जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे 17 इंच तक जिप लगा करके दिखाऊंगा। ये वाली जिप हम यहाँ पे अटैच करेंगे। आप अगर नीचे तक लगाना चाहें तो नीचे तक भी लगा सकते हैं। जितनी लंबाई हमें रखनी होती है जिप की उस हिसाब से हम यहाँ पे कपड़ा लेते हैं, तकरीबन 2 इंच ज्यादा इस तरीके से। और ये कपड़े की जो हमने पट्टी ली है इसकी चौड़ाई होनी चाहिए हमारी यहाँ पे 3 इंच की। 3 इंच चौड़ाई वाली हम पट्टी ले लेते हैं। और हमेशा जब भी हम जिप लगाते हैं एक चीज का आपको ध्यान रखना है, सिंगल पट्टी ऐसे अटैच नहीं करनी है, आपने पेपर पेस्टिंग पेस्ट करके तब अटैच करनी होती है। तो यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग इसके ऊपर चिपका लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने पेपर पेस्टिंग अपनी पेस्ट कर ली है। अब सीखते हैं किस तरीके से हम जिप यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें पट्टी अटैच करनी होती है, जो हमने ये वाली पट्टी ली है। तो इसको अटैच कैसे करेंगे, यहाँ पे दोस्तों मैंने धागा भी दूसरा लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। धागा हमने सेम कलर का नहीं यूज किया है क्योंकि ये हमारे पास जो हम जिप लगा के सिखाने के बाद ये वेस्ट है हमारे लिए, ये किसी कस्टमर का नहीं है। इसीलिए जिप भी हमने अलग कलर की लगाई है और धागा भी हमने अलग कलर का लगाया है ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझा पाए। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस पट्टी को अटैच करने के लिए इसको इस तरीके से फोल्ड करना होगा। यहाँ पे दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लिया है कपड़े को, तो सीधी साइड जो होगी हमारी ऐसे प्लेन आ जाएगी। अब हमें इसका सेंटर पॉइंट बना लेना है, ऐसे सेंटर पॉइंट बना लेते हैं जिससे कि हमें पता रहेगा कि कौन सा हमारा सेंटर है, तो तभी हम सेंटर में हम अटैच कर पाएंगे। और यहाँ पे एक साइड से ऐसे कट लगा लेंगे। अब हम इस पट्टी को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट में भी सेंटर बनाते हुए, जो ये होता है बैक साइड का सेंटर ये होता है ऐसे। यहाँ पे हमें जो ये धारी नजर आ रही है आपको बिल्कुल ये सेंटर में रहनी चाहिए। आधा इंच हम ऊपर की साइड निकाल देते हैं पट्टी को ऐसे। और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, क्वार्टर इंच का गैप रखना है दोनों सिलाइयों में। तो हम एक साइड से सिलाई लगाएंगे ऐसे और सेंटर पॉइंट का ध्यान रखेंगे। जो हमने निशान लगाया था उस निशान पे हम सिलाई को बिल्कुल नोक बना लेते हैं ऐसे नोक बनाते हुए। अब हम सिलाई को वापसी लेके आएंगे तो मार्जिन हमारा क्वार्टर इंच का हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है, आप देख पा रहे होंगे ऐसे।
अब हमें 20 सेंटर से कट करना है। यहाँ पे दोनों सिलाइयों के 20 सेंटर में ऐसे कटिंग करेंगे और ये कटिंग बारीक नोक तक लेकर के जाएंगे, जो हमारी नोक है वहां तक। ध्यान रहे सिलाई ना कटे। अब हमें रॉन्ग साइड जो होती है ये पट्टी की ऊपर वाली, तो इसको जब हम पलट लेंगे तो ये इस तरीके से चली जाएगी, अंदर की साइड ऐसे चली जाएगी और सीधी साइड हमारी यहाँ पे जिप लगने के लिए कंप्लीट हो जाती है ऐसे। आप चाहे तो इसको प्रेस से अच्छे से एक बार सेट कर ले, अगर प्रेस नहीं भी करना चाहते तब भी हमारी यहाँ पे जिप अटैच हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों हमने प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है इसको, तो यहाँ पे फिनिशिंग हमारी ऐसी आ जाती है और जो रॉन्ग साइड रहेगी वो इस तरीके से आएगी ऐसे। अब हमें जिप जो अटैच करनी है, यहाँ पे कंसील्ड जिप कैसे अटैच की जाती है ये सीखने वाली बात होती है। यहाँ पे इस पट्टी को हम ऐसे ओपन करेंगे जो हमने अटैच की थी, इसको एक साइड से ऐसे ओपन कर देते हैं और जो जिप होती है वो रॉन्ग साइड रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, जैसे आप देख पा रहे हो। और जिप हमारी यहाँ पे इस पॉइंट पे आनी चाहिए इस तरीके से, जैसे जो सिलाई होती है पट्टी अटैच करने वाली उसके साथ साथ। और यहाँ पे हम इस साइड में सिलाई लगाएंगे और इसी के ऊपर यहाँ पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखने वाली बात होती है। पॉइंट पे हम यहाँ पे तकरीबन 1 इंच नीचे तक जिप को अटैच कर लेते हैं। यहाँ तक हमारी ये आएगा जो हमने पट्टी अटैच की है, 1 इंच नीचे तक हमने जिप यहाँ पे लगा ली है। अब क्या होगा, जो सीधी साइड होगी अभी हमारी ऐसे नजर आएगी आपको यहाँ पे इस तरीके से। अभी हमने सिंगल सिलाई लगाई है, अब हमें इसमें डबल सिलाई लगानी है। दोस्तों अब हमें जो दूसरी सिलाई लगानी है डबल, वो यहाँ पे इस तरीके से लगाते हैं पलटते हुए। यहाँ पे मैं नजदीक से दिखाऊंगा आपको, इस पॉइंट पे हमारी यहाँ पे सिलाई आनी चाहिए ऐसे। जब हमारी यहाँ पे सिलाई आएगी तभी ये जिप हमारी फिक्स होगी। तो इसको लगाने के लिए हमें सिंगल फुट का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे, क्योंकि सिंगल फुट ही हमारा यहाँ पे इस तरीके से चल सकता है। अगर हम डबल फुट से लगाते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये उतार लेते हैं। अगर ये हम डबल फुट यहाँ पे लगाते हैं तो इसके ऊपर गोलाई के ऊपर ये मशीन नहीं चल पाती, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगी। जितना मर्जी हम ट्राई कर लें लेकिन अच्छी सिलाई नहीं लगती, तो तब हमारी फिनिशिंग भी नहीं आती। तो यहाँ पे हम सिंगल फुट ये अटैच कर लेते हैं। सिंगल फुट हमने लगा लिया है, अब हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। इस पॉइंट पे आने के बाद हम इस जिप को ऐसे पलट लेते हैं, यहाँ पे नजदीक से दिखाना होगा। सिंगल फुट से अपने आप ही यहाँ पे इस तरीके से पलटते हुए सिलाई लग जाती है। ऐसे हमने जिप के साथ साथ अपनी सिलाई कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये फिनिशिंग के साथ में आएगी। अब मैं आपको यहाँ पे जिप बंद करके दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे आती है। यहां से हम जिप बंद करेंगे तो एक साइड आपको ऐसे आएगी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे इस तरीके से, जैसे आप देख पा रहे हो बिल्कुल बराबर बराबर हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है। और अभी हमारी दूसरी साइड कंप्लीट करनी रहती है, सिर्फ एक साइड हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। अब हम यहाँ पे दूसरी साइड भी कंप्लीट करेंगे, वो करेंगे कैसे, यहाँ पे फिर से इसको पलटते हैं ऐसे और जो ये सिलाई लगाएंगे हम फिर से बाहर की साइड लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे जिप हमारी इस पॉइंट पे आनी चाहिए जो हमारी सिलाई है इसके सेंटर में।
साइड की सिलाई से हमने जिप अटैच कर ली है, एक्स्ट्रा यहाँ पे काट देते हैं। अब हम इसको ओपन करके पहले आपको दिखाएंगे, क्योंकि समझाना जरूरी होता है। यहाँ पे अभी हमने एक सिलाई एक साइड से बिल्कुल कंप्लीट कर ली है और एक साइड में हमने सिंगल सिलाई लगाई है ऐसे। अब हम दूसरी जो सिलाई लगाएंगे बिल्कुल जिप के साथ साथ में लगाएंगे, तो उससे हमारी ये फिक्स हो जाएगी। और दोस्तों जो ये आपको जिप नजर आ रही है ये बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि एक तो कलर हमें सेम लेना होता है जिप का, एक हम फिनिशिंग से जब लगाएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर लग के आएगी हमारी जिप, तो यहाँ पे बिल्कुल भी जिप पता ही नहीं लगता, सिर्फ एक सिलाई से नजर आती है कि हमने जिप लगाई है। तो यहाँ पे अब हम दूसरी सिलाई जो लगाएंगे वो लगाएंगे, इसको जिप को ओपन कर लेते हैं ऐसे, और इस साइड से हमारी ये सिलाई आएगी। यहाँ पे भी इसको हम ऐसे पलट लेते हैं, यहाँ पे वैसे सिंगल फुट अपने आप ही इस जिप को पलट लेता है, सिर्फ हमें ऐसे सिलाई लगानी है। जिप को हम पूरी ओपन कर लेते हैं, जहां तक भी हमारी जिप जाती है नीचे तक। अब हम बंद करेंगे इसको, जिप को सीधी साइड ऐसे करते हुए। बंद करने के बाद दोस्तों हमारी जिप यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी फिनिशिंग के साथ में। प्रेस करने के बाद दोस्तों जिप की फिनिशिंग हमारी इस प्रकार से नजर आएगी, जैसे आप देख पा रहे हो ऐसे। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जिप ओपन करने का भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसे फिनिशिंग से ओपन होगी और इसी तरीके से बंद होगी ऐसे। और रोंग साइड की बात करें तो रोंग साइड में भी हमारी अच्छी फिनिशिंग रहेगी, कहीं पे कोई झोल वगैरह सलवट नहीं आएगा। ये जो हमने 3 इंच की पट्टी लगाई थी ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए ऐसे। और जिप हमने आपको लगाने का तरीका आसान सा ये बताया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।